फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल घर की रसोई बाय दीपिका। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ GMS यूज़ करके हमारी आइसक्रीम का बेस बनाना। फिर हम उस आइसक्रीम के बेस से अपने डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर की आइसक्रीम्स बनाएंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं अपना वाइट बेस। वाइट बेस के लिए मैंने लिया है आधा कप चीनी, जो एक ग्रैनुलेटेड शुगर होता है, नॉर्मल शुगर वो। 1/4 टीस्पून मैंने लिया है अपना CMC पाउडर। 4.5 टीस्पून मैंने लिया अपना GMS जो है, एंड 4.5 टीस्पून हमने लिया कॉर्नफ्लावर। 500 ml मेरा जाएगा दूध। ये गोल्ड वाला दूध है जो हमारा फुल फैट वाला मिल्क होता है, वो यूज़ किया। और साथ में जाएगी व्हिपिंग क्रीम। अभी व्हिपिंग क्रीम का कोई काम नहीं, पहले हम इसको बनाएंगे, इसको ठंडा करेंगे, उसके बाद हम व्हिप करेंगे क्रीम को और यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना बेस के लिए। अपने एक पैन में हम डालेंगे दूध, दूध के अंदर हम डालेंगे अपना CMC, GMS, कॉर्नफ्लावर और शुगर। इसको अभी बिना फ्लेम ऑन के हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हो गया हमारा मिक्स। अब करेंगे हम फ्लेम ऑन और हाई फ्लेम पे इसको अभी बॉईल करेंगे पहले, और बॉईल आने के बाद इसको करेंगे हम मीडियम। ये हमारा मिल्क में बॉयल आ गया। अब इसे 2-3 मिनट्स के लिए हम मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे और इसे कंटिन्यू अब स्टर करते रहे, नहीं तो नीचे ये जम जाता है दूध। मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको कुक किया था 5 मिनट्स के लिए। उसके बाद मैंने किया फ्लेम हाई और उसके बाद मैंने किया 1 मिनट के लिए कुक, और अब मैं कर रही हूँ फ्लेम बंद। अभी हमारा हाफ प्रोसेस डन हुआ है। अब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो इसको हम करेंगे 4-5 घंटे के लिए फ्रीज। फ्रीज होने के बाद हम करेंगे अपनी व्हिपिंग क्रीम को व्हिप, उसके बाद इसको और उसको मिक्स करेंगे। पहले इसको हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे 2 घंटे के लिए, उसके बाद इसको हम फ्रीज करेंगे 4-5 घंटे के लिए, और उसके बाद के प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा जो हमने बनाया था बेस वाइट, ये सेमी फ्रीज हो गया। मैंने इसे 5 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था, फ्रीजर में, व्हिपिंग क्रीम को व्हिप। व्हिपिंग क्रीम मैंने ली है 100 ग्राम। इसको आपको सॉफ्ट पीक आने तक व्हिप करना है 3-4 मिनट्स के लिए। ये हमारी व्हिपिंग क्रीम हो गया व्हिप, इसको रखते हैं साइड में। और अब हम लेंगे अपना ये वाइट बेस, इसको भी एक बार करेंगे अच्छे से व्हिप। अब हम इसको करेंगे मिक्स। इस मिक्सचर को हम दोबारा से एक बार ब्लेंडर की हेल्प से दोबारा मिक्स करेंगे, ताकि हमारा जो वाइट बेस है और वो क्रीम है तो अच्छे से मिक्स हो जाए। इस रेसिपी से 1 लीटर के करीब आपका बेस तैयार होगा, जो कि वेट के हिसाब से 580 ग्राम होता है हमारा। और अब इसमें बनाते हैं हम अपने डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर के आइसक्रीम। हेलो फ्रेंड्स, हमने अपना वाइट बेस तैयार किया था। अब उससे हम बनाने जा रहे हैं कुकीज़ एंड क्रीम आइसक्रीम। कुकीज़ एंड क्रीम आइसक्रीम के लिए मैंने 20 ग्राम ओरियो को फाइन पाउडर बनाया है, 30 ग्राम ओरियो को मैंने किया है क्रश, और उसके लिए लिया 280 ग्राम मैंने वाइट बेस। साथ में हमारा जाएगा कुकीज़ एंड क्रीम का एसेंस, जो मैं फैब ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ, प्रीमियम वाला। और उसके साथ ऐड करेंगे हम हर्शीज़ का सिरप 2-3 टेबलस्पून। अगर आपके पास हर्शीज सिरप नहीं है, अगर आप घर का बना हुआ डार्क गनाश भी यूज़ कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। बेस लेंगे, बेस में हम डालेंगे अपना ओरियो का पाउडर, साथ में हमारे क्रश किए हुए ओरियोस, इसको थोड़ा सा मैंने गार्निशिंग के लिए रखा है। और यहाँ पे डाल रहे हैं हम 2-3 टेबलस्पून हमारा सिरप। इसको भी करेंगे अच्छे से हम मिक्स। साथ में गया हमारा एसेंस कुकीज एंड क्रीम का। इसको करेंगे हम ओवरनाइट के लिए फ्रीज। इसको भी हम करेंगे 8-10 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए फ्रीज। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी कुकीज एंड क्रीम जो हमने आइसक्रीम बनाई थी वो फ्रोजन हो गई है बिल्कुल। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी है। अगर आपकी रेसिपी अच्छी लगती है, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर रेसिपीज। थैंक यू।